बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्यूटर पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ। गाइज, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीपीएससी हो गया, एपीएससी हो गया, केपीएससी हो गया, बीपीएस, यूटीएस, एनटीएस, ओटीएस या पाक फोर्सेज के जितने भी कोई टेस्ट हो गया, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, तो गाइज उनमें जो कंप्यूटर का पार्ट होता है लाजमी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज उसी की तैयारी के लिए मैंने 200 एमसीक्यूज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाइज इन एमसीक्यूज में मैंने किन किन टॉपिक्स को कवर किया ये भी आप नोट कर लेंगे। इस कंप्यूटर की जनरेशन से लेकर कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके अलावा गाइस कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म्स एब्रीवेशन जो इंपॉर्टेंट्स हैं और मोस्ट रिपीटेड है, इसके अलावा गाइस प्रोग्रामिंग C++ से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने कवर की हुई है, और इसके अलावा एमएस ऑफिस जिनमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं, और गाइस इसके अलावा जो मीन के पास पेपर्स में जो मुख्तलिफ पास पेपर पीपीएससी, एपीएस, एनटीएस में जो कंप्यूटर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैंने इन्हीं 200 एमसीक्यूज में गाइज कवर किए हुए हैं। तो गाइज ये सेकंड मीन के पार्ट है प्लेलिस्ट का, मीन के 50 मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो भी अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सेकंड पार्ट उस प्लेलिस्ट का अपलोड करने जा रहा हूँ। गाइज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे ये 200 एमसीक्यूज मीन के कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर ली तो गाइज इंशाल्लाह जो कंप्यूटर में जो एमसीक्यूज आपके पेपर में होंगे कंप्यूटर के पार्ट में, तो वो गाइज इंशाल्लाह मेरी ही वीडियो में से मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइज आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो गाइस वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो और जॉब्स की तैयारी के लिए मटेरियल डेली अपलोड करता रहता हूं। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। गाइज ऑप्शन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है आपने याद रखना है। माउस, माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस होती है। कार्ड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। तो गाइज इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। गाइज आपने याद रखना है इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को मीन के इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जो भी मीन के जैसे कीबोर्ड के जरिए देते हैं, माउस के जरिए देते हैं, कार्ड रीडर के जरिए देते हैं, तो गाइज इनपुट इसी को ही कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों ही मीन के इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी हैं। तो गाइज स्क्रीन, इससे भी मीन के हमें आउटपुट हासिल होती है। प्रिंटर, इससे भी हमें मीन के आउटपुट मिलती है। स्पीकर, इससे भी हमें आउटपुट मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ही मीन के आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नाउन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो दिमाग है वो किसको कहा जाता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, आपने इसका एब्रीवेशन भी याद रखना है। गाइज मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गाइज आपने इसको ऐसे ही मीन के याद कर लेना है। अगर मैं कहूँ कि क्रैमिंग जिसे हम रट्टा कहते हैं तो आपने वो भी लगा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि एज इट इज़ लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो गाइज फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रैम स्टैंड्स फॉर। गाइज हमने इसका एब्रीवेशन बताना है कि रैम का क्या होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है रेंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही इसका एब्रीवेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है वन बाइट इज इक्वल टू। गाइज इन चार ऑप्शन में से बताना है वन बाइट किसके इक्वल होता है। तो गाइज आपने ये याद रखना है कि वन बाइट इक्वल टू 8 बिट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइज ये बार बार मीन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज आ। तो गाइज हमने बताना है वो कौन सी डिवाइस है जो मीन के कैरी डिजिटल डेटा को कैरी करती है ऑन एनालॉग लाइन। तो गाइज एनालॉग की शक्ल में मीन के अपने आप रिप्रेजेंट कर देती है। तो गाइज वो मॉडम होता है। तो आपने ये याद रखना है जो हम मीन के जिसके ज़रिए हम अपना वाईफाई वगैरह का जो घर में PTCL हो गया या दूसरा TP लिंक हो गया, तो मॉडम ही वो कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है BIOS स्टैंड्स फॉर। गाइज आपने इसका एब्रीवेशन बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है। तो आपने ये याद रखना है, मैंने एब्रीवेशन भी मीन के काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं क्योंकि यही बहुत मीन के कंप्यूटर एंड IT के पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो गाइज इसका जो फादर है वो कौन है। तो गाइज ये आपने याद रखना है डेनिस रिची। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। तो गाइस सेलेक्ट मीन के कमांड देने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है किसी भी मीन के फंक्शन को कमांड देने के लिए, तो आपने याद रखना है कि एंटर का बटन प्रेस किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो गाइज जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम कौन सी की मीन के प्रेस करते हैं किसी भी बॉक्स में, किसी भी फाइल में सेव करने के लिए, तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, F12 की मदद से हम सेव एज अ बॉक्स मीन के सेव करते हैं फाइल को। F12 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नाउन एज अ। गाइज आपने सबसे पहले तो आपको इसका एब्रीवेशन पता होना चाहिए ALU। गाइज आपने याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका एब्रीवेशन होता है। तो गाइज ALU एंड कंट्रोल यूनिट ये कहाँ जॉइंट होते हैं, मीन आपस में जुड़े होते हैं। तो गाइज ये आपने याद रखना है CPU में इसको मीन के ये जॉइंटली आपस में जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो रिसेंटली क्वेश्चन में हम डिस्कस कर भी चुके हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। गाइज हमने रैम बताना है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, बोथ ए एंड बी। तो गाइज आपने ये याद रखना है कि जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाइज ये क्या होती है मैग्नेटिक डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज नहीं है। तो गाइज देखें, BASIC बेसिक, ये भी गाइज एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। MS Excel गाइज ये तो हमने सुना है कि ये एक एप्लीकेशन होती है जिसमें मीन के जैसा कि MS Office की ये एक फर्दर एप्लीकेशन आ जाती है। तो COBOL कोबल ये गाइज ये भी एक लैंग्वेज होती है। C++ ये भी लैंग्वेज होती है। तो ये जो ऑप्शन बी है ना MS Excel गाइज ये एक एप्लीकेशन है, तो ये लैंग्वेज कंप्यूटर की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। तो गाइज जो CPU है और मेमोरी है ये कहाँ लोकेटेड मीन के वाक्या होते हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है मदरबोर्ड में होते हैं। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज मीडियम। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है, हार्ड डिस्क, फ्लैश डिवाइस, DVD, स्कैनर। तो गाइज आपने ये याद रखना है जो स्कैनर होता है ये स्टोरेज मीडियम नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, KB स्टैंड फॉर। गाइज हमने इसका एब्रीवेशन बताना है। तो गाइज ये याद रखना है, बहुत मीन के कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो गाइज ये इसका मीन का एब्रीवेशन होता है KB। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। गाइज हम किसी भी मीन के कोई पासवर्ड है उसको चोरी कर लेते हैं, तो गाइज हम उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है, स्पूफिंग कहा जाता है उसे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, मलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नाउन एज डैश। तो गाइज जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है उसे हम इस नाम से जानते हैं। तो गाइज आपने याद रखना है मलवेयर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, टच स्क्रीन इज। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि टच स्क्रीन क्या है, इनपुट, आउटपुट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो गाइज देखिए, टच स्क्रीन जो होती है इससे हम मीन के हमें इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और इससे हम मीन के आउटपुट भी ले सकते हैं। तो गाइज ये इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आ स्टेटेड अलाउंड कंप्यूटर। तो गाइज देखें, इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि कौन सा मीन के कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं होता। गाइज देखिए, रैम ये भी ज़रूरी होती है, हार्ड डिस्क ये भी ज़रूरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज ये भी ज़रूरी होती है, जो लैन कार्ड है इसके बगैर मीन के ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट। गाइज इसमें से चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा ऑड वन आउट है, रैम है, रोम है, कैश है और डिस्क है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन सी, कैश। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइज, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिनोट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑफन विद क्रिमिनल इंटरनेट। गाइज जब भी सवाल में पूछ रहा है कि जब भी मीन के हम किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज मीन के या इलीगल तरीके के साथ किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, मीन के हैक कर लेते हैं, गाइज अब मेरे मुँह से निकल ही चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है हैकिंग, उसे कहा जाता है। तो गाइज आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज़ एन।
तो गाइज़ हार्ड डिस्क क्या है कंप्यूटर में? तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट ऑपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो गाइज़ मीन के वो कौन सा मीन के कंप्यूटर का पार्ट है जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है फिर उसको ऑपरेट करता है, मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स को ऑपरेट करता है। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, वो सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वाइडली अवेलेबल वेब ब्राउजर और मोज़िला रिलीज्ड। तो कब रिलीज़ हुआ था गाइज़, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1993 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इज़। तो गाइज़ हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बताना है कि डेटा में क्या होता है। तो गाइज़ आपने याद रखना है, जो बिट होता है ना ये स्मॉलेस्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी मीन के सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की? तो गाइज़ ये आप लोगों को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर स्टोर इन द। गाइज जब भी हम कंप्यूटर में कोई फाइल को मीन के जहाँ अचानक से या सडनली कोई डिलीट हो जाती है तो गाइज वो हमारे जो रिसाइकल बिन होता है ना वहाँ चली जाती है। तो उस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि वो कहाँ चली जाती है, मीन के स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डैट कंट्रोल्स अ प्लेस ऑफ हार्डवेयर इज़ कॉल्ड। तो गाइज इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है ड्राइवर में मीन के स्टोर होता है जो हार्डवेयर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ड्राइवर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर सिस्टम वर्ड बूट इज़ यूज्ड फॉर। तो गाइज कंप्यूटर सिस्टम में जो वर्ड बूट है मीन के किस के लिए इस्तेमाल होता है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 2007 इज़ एन। तो गाइज जो विंडो 2007 है ये क्या है? तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, टू कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स डैट आर कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड। जब भी गाइज मीन के कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं डैट आर कनेक्टेड टुगेदर मीन के एक दूसरे के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं? तो गाइज ये आपने याद रखना है, नेटवर्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन अ कंप्यूटर द कीबोर्ड इज़ यूज्ड एज एन डैश डिवाइस। तो गाइज कीबोर्ड हमने बताना है कि कौन सी डिवाइस है। तो गाइज मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूँ मीन के जो पहले एक क्वेश्चन में जिक्र किया था कि इनपुट डिवाइस, गाइज ये इनपुट डिवाइस होती है, इसकी मदद से हम मीन के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और बदले में जो हमें चीज़ मिलती है उसे मैंने आपको कहा था कि आउटपुट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अ नॉर्मल सी डी रोम कैन यूजली स्टोर अप टू डेटा। तो गाइज एक जो नॉर्मल सी डी रोम होती है मीन के वो कैसे कहाँ तक मीन के स्टोर कर सकती है डेटा को? तो गाइज ये आपने याद रखना है कि जो 680 MB तक मीन के डेटा को स्टोर कर सकती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन विच प्रोग्राम इज़ यूज्ड। तो गाइज जो भी हम जो बनाते हैं टेबल बनाते हैं कॉलम्स रोज एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो गाइज ये किस एप्लीकेशन में करते हैं? तो गाइज बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन चार ऑप्शन में से पता चल गया होगा कि हम एक्सेल में करते हैं, MS एक्सेल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड। तो गाइज ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि ये प्रिंट आउट होता है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हार्ड कॉपी एक प्रिंट आउट ही होता है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इंटरनेट इज़ डैश। तो गाइज इंटरनेट क्या है? डिस्प्ले सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है, सर्च इंजन है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है इंटरनेट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, डैट इज़ डन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड। तो गाइज ऑप्शन ए वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी अथेंटिकेशन, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी अथोराइजेशन। इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज डन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड्स। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, स्मॉल फाइल्स डैट आर डिपॉजिट्स ऑन यूजर हार्ड ड्राइव व्हेन दे विजिट अ वेबसाइट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ। तो गाइज ये आपने याद रखना है कि उनको कुकीज़ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्मॉल फाइल्स गाइज ये आपने याद रखना है, कुकीज़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द ब्राउज़र डैश कीप अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड इन द करंट सेशन। तो ऑप्शन ए ट्रेल, ऑप्शन बी कैशी, ऑप्शन सी फेवरेटिस, ऑप्शन डी हिस्ट्री। तो गाइज इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है कैशी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडैश सर्टिफिकेट इज नोटिस डैट गारंटीज आर यूजर आर आर वेबसाइट इज लेजिटिमेट। ऑप्शन ए डिजिटल, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी सिक्योर, ऑप्शन डी असाइंड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है डिजिटल। डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ नोटिस डैट गारंटीज आर यूजर आर वेबसाइट इज लेजिटिमेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क टू सेव डेटा इज। तो किस चीज़ में मेजर करते हैं, वाट में करते हैं, जीबी में करते हैं, न्यूटन में करते हैं, गीगा हर्ट्स में करते हैं। तो गाइस हम जीबी में करते हैं, ये आपने याद रखना है, गीगा बाइट इसका एब्रीवेशन होता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स टुडे। तो कौन सी मीन के आजकल जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है आपने बताना है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है फेसबुक, माई स्पेस एंड ट्विटर। ये सोशल मीडिया मीन के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज़ यूज टू। तो गाइस शिफ्ट प्लस डिलीट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है एमएस वर्ड में। तो गाइस ये आपने याद रखना है, डिलीट द सिलेक्टिंग आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन अ रिसाइकल बिन। मीन के ये परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट द हेडर एंड फुटर। तो किस चीज़ की मदद से, इंसर्ट मेन्यू की मदद से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, आपने यह याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कौन सा सर्च इंजन मीन के नहीं है। सर्च इंजन से मुराद जिस पर हम मीन के कोई भी चीज़ सर्च करके डेटाज को फाइंड करते हैं। तो गाइस ये आपने याद रखना है, फेसबुक है ना, ये एक सर्च इंजन नहीं है। ये कौन सी है मीन के, ये तो सोशल मीडिया एक नेटवर्किंग ऐप है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्म ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है कि करेक्ट फॉर्म मीन के ईमेल एड्रेस कैसा होता है। गाइस देखिए, punjab.government.pk@pbsc, गाइस ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, pbsc@punjab.government.pk। गाइस ऐसा कुछ सुनने को मीन के मिलता है। तो गाइस इसका मतलब यह है कि हमारा जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द URL। URL का मैंने आपको एब्रीवेशन बता दिया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो गाइस इनमें से कौन सा URL है। तो गाइस आपने ये याद रखना है, www.yahoo.com। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs का, मीन के जो 200 MCQs की प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट था। पहला भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो गाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी वॉच कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत भी मीन के नॉलेज मिला है तो गाइज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मीन के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर जॉब्स की टेस्ट की तैयारी के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।